करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को नशा मुक्त बनाने की मुहिम शुरू कर दी है, लिहाजा हर मंच से मंत्री विजयवर्गीय नशे के खिलाफ ढिलाई करने वाले पुलिस अफसरों को चेतावनी जारी कर रहे हैं। वहीं मौका था बीजेपी सदस्यता अभियान का, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस अफसरों को एक बार फिर चेतावनी दी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के खिलाफ पुलिस अफसरों को चेतावनी दे दी है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी साक्षी, देखिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में इस सदस्यता अभियान को एक अलग ही तरह से चला रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो बना रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी विधानसभा में कैसे कानून व्यवस्था बनी रहे और कैसे जो है नशे का जो कारोबार चल रहा है, जिस तरीके से नशे के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, वो कैसे स्थायी रूप से चल सके, उसको भी क्रियान्वयन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यही वजह है कि जिस तरीके से एक नंबर विधानसभा में नशाखोरी को लेकर और छेड़खानी की जो वारदातें सामने आ रही थी, और जैसे ही वो सदस्यता अभियान के तहत घर घर उन्होंने दस्तक दी और शिकायतें उनको मिली, महिलाओं की, तमाम लड़कियों ने उनसे शिकायत की खोरी को लेकर, उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय एक्शन मोड में नजर आ गए हैं और लगातार वो खुले मन से पुलिस अफसरों को चेतावनी जारी कर रहे हैं कि नशे के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लगातार उनकी जो विधानसभा है उनसे तमाम जो नशा खोरी करने वाले जो लोग हैं और नशे को सप्लाई करने वाले जो गिरोह है उसे खदेड़कर उनकी विधानसभा क्षेत्र से ना सिर्फ बाहर कर दिया जाए, बल्कि उनको जरूरत पड़े तो उल्टा भी लटका दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि वो नशे के बेहद खिलाफ है। और यही वजह है कि आज फिर जब कैलाश विजयवर्गीय वार्ड नंबर 10 में पहुंचे, यहां पर सदस्यता अभियान चला रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक बार फिर खुले मन से जो थाना प्रभारी है टीआई उनको साफ शब्दों में कह दिया है कि नशा करने वाले लोगों को, नशा बेचने वाले लोगों को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाए, जरूरत पड़े तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाए। कोई भी आपको जो है ऐसी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा, ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता का फ़ोन जो है आपके पास आएगा। तो इसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं साक्षी कि इंदौर में जो है अब नशे के खिलाफ जो है लगातार एक नंबर विधानसभा में पुलिस एक्शन मोड में नज़र आ गई है। और अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 दिनों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई एक नंबर विधानसभा में की, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार नशे को लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय अब सख्त तेवर अपने अख्तियार किए हुए हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासनों को जो है हिदायत भी दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो नशे के खिलाफ जो अब पुलिस अफसर जो है कार्रवाई नहीं करते थे, उनको ना सिर्फ वो चेतावनी दे रहे हैं बल्कि ऐसे लापरवाह अफसरों को जो है वो उन पर बड़ी कार्रवाई भी करवा रहे हैं। जी, तो संदीप, ये माना जा सकता है कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर अब जल्द ही नशा मुक्ति में भी नंबर 1 होगा? बिल्कुल, देखिए कि इंदौर जो है क्लीन सिटी तो कहा जाता है, लेकिन अब हम देखें कि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से एक नंबर विधानसभा में नशे के खिलाफ जो है एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये मुहिम देखने को मिलेगी। और कैलाश विजयवर्गीय एक अलग तरह की सियासत के लिए जाने जाते हैं साक्षी, वो जब भी कोई बात कहते हैं तो उस बात को करते नहीं बल्कि उस बात को जो है एक अभियान का रूप भी दे देते हैं। यही वजह है कि एक नंबर विधानसभा से ये अभियान नशे का शुरू जरूर हुआ है और इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ी रणनीति भी तैयार की है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ऑपरेशन नशा जल्द शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार जिस तरीके से इंदौर में वारदातें सामने आती है, जिस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, उसको लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं और वो हर जगह इन घटनाओं पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। और उन्होंने इन घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बताया कि नशा, क्योंकि नशा करने के बाद जो इंसान है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय अब इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी रणनीति तय कर सकते हैं और जो इंदौर का जो पुलिस प्रशासनिक अमला है उसके साथ एक बड़ी जो है बैठक करके एक रणनीति भी बनाई जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय उनकी ही विधानसभा नहीं बल्कि जो पूरे इंदौर में
कैसे नशा इंदौर के अंदर एंट्री करता है और कैसे जो नशे के सौदागर हैं वो किस तरीके से इसको सप्लाई करते हैं, कैसे जो ड्रग पेडलर्स हैं वो किस तरीके से एक्टिव रहते हैं और कैसे जो छोटे छोटे मासूम हैं उनके हाथों में पुड़िया को जो है लेकर जो है सप्लाई की जाती, तमाम तरह के पहलुओं पर एक रणनीति तैयार की जा रही है। और जिस तरीके से देखें तो कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस प्रशासन को हम कह सकते हैं कि जो फ्री हैंड दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि अब जो है कोई भी बीजेपी का नेता आपको ऐसी कार्रवाई करने से रोकेगा नहीं, किसी भी अपराधी को छोड़ने के लिए फोन कॉल नहीं करेगा, यानी कि आप स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए, बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस भी अब स्वतंत्र हो गई है क्योंकि कोई दबाव प्रभाव उन पर नहीं होगा और जो भी नशा करते हुए पाया जाएगा, जो भी नशा जो है बेचते हुए पाया जाएगा उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह जो है पूरे इंदौर में लगातार हम देखें तो जो एक बड़ा इलाका होता है जैसे मूसाखेड़ी का इलाका है, जो तीन इमली क्षेत्र का जो इलाका है जहाँ पर बस्ती क्षेत्र होता है, यहाँ पर नशे की काफ़ी स्मगलिंग होती है, ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो लगातार कैलाश विजयवर्गीय के बयानों के बाद जो है इंदौर के तमाम शहरों के बड़े जो चौराहे हैं, चुनिंदा चौराहे हैं, वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान भी शुरू हो गया और नशा करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि स्वच्छ इंदौर, ग्रीन इंदौर में अब जो है नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम आने वाले समय में देखने को मिलेगी साक्षी, और पर यानी कि इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए भी जो है पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए, क्योंकि इसके मायने इसलिए भी बेहद ज्यादा हो जाते हैं साक्षी, क्योंकि ये माँ अहिल्या की नगरी कही जाती है और जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है और मिनी मुंबई के नाम से भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रभार वाला जिला भी इंदौर कहलाता है। तो यही वजह है कि इस जिले को यानी कि इस इंदौर शहर को अब इसकी गरिमा को बनाने के लिए, इसके वैभव को बरकरार रखने के लिए, ऐसी आपराधिक घटनाओं से मुक्त करने के लिए जो है अब नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़े जाने की जरूरत है, जो कि कैलाश विजयवर्गीय आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है और इंदौर के पुलिस अफसरों को सख्त हिदायत में चेतावनी भी दे दी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्द इंदौर जो है वो नशा मुक्ति में भी नंबर वन हो पाता है। तब तक के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।